कॉल किसकी आ रही है भाई? अरे ओ, आपको दिखाई नहीं देता ना कैसे? अरे सॉरी मैम, सॉरी 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 सॉरी। अरे स्पीड से नहीं था मैम, वो कॉल आ गई थी। चोट तो नहीं लगी ना? पहले आपको ये बताओ, अरे मैम मैं बहुत कम स्पीड से था, 20 की स्पीड से था। मैं, मेरे को नहीं पता चला एक्चुअली, मेरा कॉल आ गया था। मैम कहीं भी नहीं लगी मैम, नहीं था। अरे मैम चाबी मत दूंगा। तो हेलो जी, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग भाई। सो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत अच्छे हो गए, वेलकम हो गए भाई तुम्हारा अनदर व्लॉग में। गुड मॉर्निंग। सो भाई अभी कोई बज रहे हैं 6:30, इसकी वाहन का मारूँ मेहनत मेहनत देख रहे हो भाई। ओहो बड़ा लेवल का सीन है भाई। एक्चुअली हम जा रहे हैं एक लड़की से मिलने, आपको पता चल ही जाएगा आगे। जिसने व्लॉग देखा है वो पहचान लेगा हम किससे मिलने वाले हैं आज। और भाई जिसने नहीं देखा वो नहीं पहचानेगा, वैसे तो पता चल ही जाएगा आपको। और जिसने अभी तक आशु के राइडर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, बताओ यार। यार बड़ा गंदा लगता है, माँ कसम, 50,000 व्यूज़ आते हैं और सिर्फ 500 लोग सब्सक्राइब करते हैं। दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, सीरियसली दिल गार्डन गार्डन हो जाता है यार। भाई इतनी मेहनत करता हूँ यार, पैर में चोट लगी हुई है, बट सीरियसली यार आपके लिए व्लॉग्स बना रहा हूँ मजाक से हटके, कि कहीं तुम भाग ना जाओ, कहीं चले ना जाओ यार। आशु व्लॉग्स व्लॉग नहीं डाल रहा, बट मैंने सोचा यार आज का दिन है, आज बना लूँ 5-6 व्लॉग। और मैं सुबह 6:30 बजे 7 बजे इसलिए निकल गया क्योंकि यार तो जिससे मिलने जा रहे हैं उसका कॉल ही होता है फिर 9 बजे, तो 9 बजे से पहले मिल पाएंगी। तो हमने रात डिसाइड किया था कि हम 7:30 बजे तक मिलेंगे, एक दो व्लॉग बना लेंगे और उसके बाद आप भी निकल जाना और मैं भी थोड़ा और कहीं देख लूँगा, व्लॉग व्लॉग बना लूँगा। सो बहुत सारे व्लॉग्स बनने हैं आज भाई, आज एक लड़की से और मिलना है, वो भी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो जैसे भी होगा देख लेंगे गाइस। अभी भाई लेवल की ठंड हो रही है भाई, अभी ठंडू ठंडू लग रहा है, माँ कसम से देखो भाई। सो आप वेस्ट इंडीज़ को हाफ टी शर्ट में ही है और मैं हाफ टी शर्ट में तो मैं भी हूँ, बट मेरी फट के चार हो रही है भाई सीरियसली। देहरादून में सुबह शाम की ठंड हो गई है स्टार्ट। और भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा जो सुबह सुबह शाम को बाइक पे आ रहा है ना भाई, सीरियसली कम्बल उम्बल डाल गया है, बड़ा ठंडा हो रहा है, मज़ा आ गया यार। सो अभी मिलते हैं यार गाइस आपको थोड़ा सा आगे। सो यार वैसे तो मेरे को अपना भाई इंट्रो में अपना फेस दिखाना था, मेरा मुँह गंदा था, लेकिन यार हुआ क्या कि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था जो, और वो 7:30 बजे मतलब वहाँ का पानी वगैरह वो जो क्या बोलते हैं मोटर वगैरह होता है, मोटर वगैरह चलाते उसके बाद पानी वानी भरता, फिर मैं नहाता, फिर किस टाइम निकलता है 9 बजे तक पहुँचता, 9 बजे उनको निकलना है मेरे पास से। सो यार मैंने सोचा बिना नहा ही निकल लो यार, परफ्यूम शरफ्यूम डाल लिया है जो बदबुना है, वैसे तो आती नहीं है, टेंशन ना लो तुम, ठीक है तुम टेंशन ना लो। तो भाई बस यार नींद बड़े गंदे वाली आ रही है, कहाँ मैं 9-10 बजे उठता हूँ और कहाँ मैं आज सुबह उठ गया 6:30 बजे, गंदा हो गया यार सीन भाई। एक्चुअली मुझे लग रहा है किसी की स्कूटी में ना प्रॉब्लम हो गई है, सो मैं रुक गया था देख के, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों। सो एक बार पूछ लेते हैं यार क्या हुआ मैम, एक्सक्यूज़ मी क्या हुआ मैम, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही है स्कूटी? हाँ, कुछ फ्यूल वगैरह है? फ्यूल वगैरह है इसके अंदर? अच्छा अच्छा स्टार्ट है ना, स्टार्ट है ना, ठीक है ठीक है ठीक, ओके। ओहो भाई साहब वेलकम भाई, मुझे लगा भाई दूर से लड़की है भाई मतलब अंकल का तो मैंने देख लिया था बट मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था, मैं रुक गया था इसलिए मैंने कहा शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो उनका हैंडल वगैरह जाम हो रखा था, फ्यूल व्यूल तो था, सो कोई नहीं, ये बेचा हुआ भाई कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई माँ कसम, मुझे सीरियस नहीं पता था वो मतलब आंटी जी हैं भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो लड़की लग रही थी यार। भाई तुम देहरादून में आ गए, ऐसी चक्कर खा जाओगे, तुम टेंशन ना लो तो यार अभी चलते हैं फटाफट से उनके पास, साहिबा मंदिर पहुँच चुके हैं, हम देखते हैं किधर मिलती है, उनको कॉल कर लेता हूँ एक बार। तो भाई एक्चुअली मैं थोड़ा आ गया था ऊपर की साइड क्योंकि उन्होंने बोला थोड़ा ऊपर ही मिलेगी, वो ऊपर ही गई हुई है, पर लीन करना बड़ा मजा आता है यार। कॉल किसकी आ रही है भाई,
ये क्या बोल रहा है यार? अरे ओ, आपको दिखाई नहीं देता कैसे? अरे सॉरी मैम, सॉरी 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 सॉरी। अरे स्पीड से नहीं था मैम, वो कॉल आ गई थी। अरे सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, बात सॉरी वाली नहीं होती है। अरे मैम वो पता नहीं चला ना, आप वो मैम दिखा नहीं मेरे को सामने से ना थोड़ा सा। मतलब आपने पूरी गाड़ी करा दी, मेरे को भी करा दिया। अरे एक्चुअली मैम चोट तो नहीं लगी ना, पहले आपको ये बताओ। चोट क्यों छोड़ा है, आप गाड़ी कैसे चला रहे हो? अरे मैम मैं बहुत कम स्पीड से था, 20 की स्पीड से था, मैं मेरे को नहीं पता चला, एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था। मेरी गलती है मैम, मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, सॉरी। नहीं होता भैया, सही में आपने बहुत जोर से मारी है। चोट तो नहीं लगी ना आपको? चोट की नहीं, और गाड़ी में पता नहीं कहाँ कहाँ मारी है आपने मैम। कहीं भी नहीं लगी मैम, कहीं भी। आपने भयंकर टेढ़ी कर दी है पूरी। अरे नहीं हुई मैम, वो वहाँ पे तो टायर जा ही नहीं सकता, वहाँ पे कैसे टायर चला जाएगा, वहाँ पे तो लगी नहीं है। अरे मैम सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ आपको, मुझे सच में। आपने मैं खड़ी गाड़ी पे आके मार दिया। अरे मैं सॉरी बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं फोन आ गया था मेरा, मैं फोन देख रहा था अपना, मेरे को पता नहीं चला। अरे पता है क्या हुआ? अरे मैम पुलिस को बुलाने की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मेरी गलती है। अगर मुझे कुछ हो जाता, चलो गाड़ी छोड़ो, अगर मुझे कुछ हो जाता। अरे मैम आपको कैसे हो जाता, मैं इतनी स्पीड से था ही नहीं, मोड़ था इसलिए मैंने नहीं थे तो फिर मैं गिरी कैसे? अरे मैम लग गई वो, मैं मानता हूँ आप बैठे हुए थे, स्कूटी बैलेंस नहीं था। चाबी तो आप गाड़ी की अपनी। अरे मैम चाबी मत दूंगा मैं, नहीं दूंगी बिल्कुल नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत करिए मेरे को। मैं चाबी दूंगी नहीं आपको। तो मैम ऐसे कैसे बाइक चली जाएगी मेरे को ये बताओ। मैं सॉरी बोल रहा हूँ मैम, अगर कहीं से टूटा है मैं आपकी, मैं गाड़ी पे आपने मारा कैसे मुझे ये बता दो। मैम वो लग गई, मैं एक काम करता हूँ। क्या कर रहे थे आप जो आपको ध्यान ही नहीं है? अरे मैम मेरा, मैं बता रहा हूँ मेरी एक्चुअली गाड़ी लेके चलते हो, ये नहीं पता कि कहाँ ब्रेक मारना है। अरे मैम मुझे पता है कहाँ ब्रेक मारना है, बट मेरा कॉल आ गया था, मुझे नहीं पता चला सच में। पुलिस भी बोलती है भाई कॉल आता है तो साइड में गाड़ी। मैं साइड में ही रुक रहा था मिस, मैं आप साइड में खड़े हो, नहीं खड़े हो रोड के बीच में, थोड़ा ही खड़े हो। तो मैं भी तो वही कह रही हूं, आप साइड में मैं अरे मैम एक बात तो बताओ, मैं साइड में, साइड में आप खड़े हो, साइड में लगा के मैं कॉल पे तो बात करने वाला था, देन मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे मैम नहीं दिखी ना, मैं एक्चुअली ना फोन निकाल रहा था, ऐसे में मैं फोन करके देख रहा था। एक बार बताओ, अगर आपको फोन पे बात करनी तो आप पहले भी तो रोक सकते थे। मैम जस्ट फोन आया, यहीं पे फोन आया, मैं यही मैं चाबी नहीं दूंगी आपको। अरे मैम ये तो आप गलत बात कर रहे हो, देखो ये तो आप बताओ ना यार, मुझे कुछ हो जाए, गाड़ी को कुछ हो जाए। अरे मैम उसके लिए मैं सॉरी, मैम उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, अगर कहीं इसको गाड़ी, हाँ मैं करूंगा। क्या लगा है मुझे बताओ, क्या टूटा हुआ है? ये नंबर प्लेट इसमें कहाँ से टेढ़ी हुई है मैम, टायर भी नहीं जाएगा वहाँ तक नंबर प्लेट तक। एक तो आप खड़ी गाड़ी पे आके मार रहे हो, चलो मैं चलती होती कुछ गलत। अरे वो देखो वो बात मैं आपकी मान रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे एक स्क्रैच दिखा दो कि एक स्क्रैच लगी है आपकी। भैया आपने गाड़ी पे मारी है, बिल्कुल मारी है यार। मैम मारना अलग बात होता है, कहीं से टूटा है मुझे वो चीज बताओ। ऐसा नहीं होता ना भैया, अगर बाई चांस मेरे को ही चोट लग जाए फिर। अरे मैम आपको नहीं लगी ना, लगी तो नहीं? अगर लग जाए तो फिर मैं इतनी जोर से गिरी हूं, आई नो मैम, मैंने देखा इसलिए मैंने सॉरी बोला, इसलिए मैंने सॉरी बोला। मेरा फोन भी गिरा, चलो वो तो ठीक है, ठीक है या नहीं है पता नहीं, भगवान जाने इसको भी। फोन तो ठीक हुआ है नहीं हुआ, और एक तो ये छपरी जैसी बाइक है लेके घूम। मैम ये छपरी बाइक नहीं है, हर केटीएम वाला छपरी नहीं होता, और दूसरे रहने तो बहुत देखती हूं मैं ऐसी भयंकर। अच्छा मैम ये पता है कितने की है? ये 3 लाख की है, इसमें से 4 आएंगी है। कोई बात नहीं, हाँ ये भी 4 आएंगी है। मुझे ये बताओ आपकी बाइक 1 लाख की स्कूटी को ठोक देगी? अरे 1 लाख की मैम, ये तो बताओ कहीं लगी इसमें स्क्रैच? पता नहीं क्या छपरी बना दिखाते रहे। अरे मैम हर केटीएम वाला छपरी नहीं होता, पहली बात तो ये है, ठीक है, और आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो। और तो मैम एक बात तो बताओ, मैं सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ उस चीज के लिए, मैं तो सॉरी एग्री कर रहा हूँ। अरे अच्छे एक राइडर हो तो कम से कम तमीज तो देखो गाड़ी चलाने की, अगर आप महंगे छपरी नहीं हो तो। अरे मैम एक बात तो बताओ, जब कॉल आ रहा था साइड में तो लगा रहा था, उल्टी बात कर रहे हो। मैं समझती हूँ आपकी, मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए नंबर प्लेट का फोटो खींच ले पीछे से, आप जो जो आपने पुलिस वाले इसको बुलाना है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास भी रिकॉर्ड है। पर मैं आपकी चाबी नहीं दूंगी। हाँ कोई नहीं, आप एक काम करना बाइक ले जाना, स्कूटी की मुझे दे दो, स्कूटी में ले जाता हूँ आपकी। हाँ तो हाँ तो कहाँ से ठोका है मुझे ये तो बताएं मैम एक बार। पूरी गाड़ी आपने गिरा दी मेरी। अरे मेरे को भी गिरा दी। अच्छा मुझे स्क्रैच बताओ, स्क्रैच मुझे एक स्क्रैच बता दो कि मैम यहाँ पे स्क्रैच लगे। जब स्क्रैच आएगा तभी आप मानोगे? हाँ तभी मानूंगा, मेरी गलती है। हाँ दिखाओ दिखाओ मुझे, आप अपनी गलती नहीं मानोगे? मैम मैं गलती मान रहा हूँ, सॉरी बोला ना मैंने, उठते ही आपको उठाया, स्कूटी भी उठाई आपकी, अगर ऐसा होता मैं भाग भी सकता था।
मैंने आपको सॉरी बोला ना मैम। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको देखो सीरियसली बात बताऊँ। मेरा कॉल आया था, कॉल आया देन ये गलती से आपकी टच हो गई स्कूटी। और दूसरी बात मैम, मैं कोई देखो ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ कि उल्टी सीधी बाइक चलाने वाला। मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल हो, कैमरा लगा हुआ है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ था। देन आपकी मेरे को सच में नहीं पता चला, मेरा कॉल आ गया, इसलिए मैं कॉल पर मेरा थोड़ा ध्यान था। मैंने उसके लिए सॉरी बोला ना आपको, मैं बदतमीज से बात तो नहीं की तब से मैम कर रहा हूँ मैं। अरे मैम उसके लिए मैंने सॉरी बोला, आपको उठाया भी और मैंने आपकी स्कूटी भी उठाई, मैंने उसके लिए बहुत एग्री हूँ मैं, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं उस चीज़ के लिए। आई नो मैम, मैं भी अच्छे मूड से निकल रहा था, मैं भी किसी से मिलने ही जा रहा था, देन उनका कॉल आया कि किसी का कॉल आया, मेरे को ये भी नहीं पता किसका कॉल, एकदम ठुकी भाई जब मैंने कॉल भी मेरे फ़ोन भी जेब में डाल लिया। मैम एक काम करें, आप डॉक्टर के यहाँ चले, मैं आपको डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ। ठीक है, बट प्लीज़ आप ये ढंग से चलाइए प्लीज़। कोई बात नहीं मैम, मैं बहुत ढंग से बाइक चलाता हूँ, बट मेरी गलती है, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़। तो पता नहीं अब तक कितना हंगामा करे थे, मैंने सिर्फ इतना ही बोला है। आई नो मैम, कोई बात नहीं, सॉरी उसके। चलो सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया बट। अरे नहीं मैम देखो, अगर आप भी मेरे को मारते तो मेरे को भी गुस्सा आता, बट मेरे को गलती थी, मेरे को बहुत गुस्सा आया सीरियसली, और मैं भी। अच्छा रियली सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। चलो वो इधर से आएगी तो मैं यहीं पे मिल लेती हूं उसको। बाकी के कैसे हो? मैं ठीक हूं, पैर में दर्द है और कुछ नहीं। यार मैम पुलिस पुलिस मत बुलाना प्लीज। पुलिस भी बुलाऊंगी मैं बिल्कुल भी। तो कैसा लगा, कैसी लगी एक्टिंग? So, भाई हमने रात प्लान किया था कि हम आप लोगों के साथ एक प्रैंक करेंगे, क्योंकि भाई देखो अपने में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी पापा के परी को ठोक दें। भाई वो पुलिस ना बुलाए, गलती भले ही उसकी हो लेकिन फंसेंगे हम। सो उससे बेटर ये है कि अपने नॉन के साथ बनाओ एक प्रैंक करो। फिर भी गाड़ी सेफ करी। हाँ, और एक चीज़ हमने एक्चुअली इसलिए बनाया है यहाँ पे, हमारा दूसरा ये भी था मोटिव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गुजरे और यहाँ पे ये गिरे भी थे, इनके सामने ही गिरे और उधर से 4-5 लोग आ रहे थे, आंटी वगैरह, बट कोई नहीं रुका, किसने ये नहीं बोला कि भाई लड़की है अकेली और जंगल का रास्ता है। हमारा एक मोटिव यही था हमारा, मैंने कहा थोड़ा पब्लिक में करेंगे, देखेंगे क्या सीन होता है। और भाई बहुत भयंकर वाली मैंने ठोकी इसमें। तो भाई आज के टाइम में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या कर रहा है भाई ये वो, तो भाई बहुत सीरियसली भाई अगर आपको कभी ऐसे मिले, देखो हमारा तो ये था कि हमारा एक स्क्रिप्ट थी, हमारा एक प्रैंक था, ठीक है, हमारा एक मोटिव था देने का, ऐसा कोई नहीं है कि भाई ठोकना वोकना, बट अगर आपको ऐसे मिले तो रुक जाया करो, देख लिया करो। हाँ सो भाई पहचान लिया होगा जिनका हमने फोन वापस करा था। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा एक व्लॉग बनाएंगे, इनसे मिलने आ रहा था मैं एक्चुअली, तो हमने सोचा एक बना ले इस तरह से, सो आपको एक अच्छा सा नेक्स्ट व्लॉग मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो और मैम की एक्टिंग पसंद आई हो सो भाई आशु के रेड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।